अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिहान कमर और आप देख रहे हैं कार टिप्स। दोस्तों आज हमारे पास गाड़ी टोयोटा एक्वा है। ये गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रही है। स्टार्ट होती है, थोड़ा सी इंजन से आवाज आती है, गाड़ी चेक इंजन की लाइट ऑन करके बंद हो जाती है। आज हम इस गाड़ी को पहले डायग्नोस करेंगे कि इसका फॉल्ट क्या है और फिर उस फॉल्ट को हम हल करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। जी तो अब मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको क्या मसला कर रही है। ये हमने इग्निशन ऑन कर दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अभी गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्मूथ खड़ी है, कोई मसला नहीं है। जैसे ही गाड़ी का इंजन स्टार्ट होगा, गाड़ी के इंजन से एक आवाज़ आएगी और गाड़ी बंद हो जाएगी। इंजन स्टार्ट हो गया गाड़ी का और ये बंद हो गई। सबसे पहले हम इसका फॉल्ट डायग्नोस करते हैं। स्कैनर हमने लगा लिया है कि इसमें फॉल्ट आ क्या रहा है। टोयोटा 16 पिन DLC जापान, ऑटोमेटिकली सर्च टोयोटा। अब ये एक्वा सेंटा विड्स, हमारे पास एक्वा है तो हम एक्वा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मॉडल सेलेक्ट करेंगे, सिस्टम सिलेक्शन, पावर ट्रेन, हमें पावर ट्रेन में जाना है। इंजन रीड फॉल्ट कोड, ये देखें अब कोड ये आ रहा है P2102 थ्रॉटल एक्टुएटर कंट्रोल मोटर सर्किट लो। ये जो कोड है सर्किट लो का, अगर ये कोड सर्किट हाई का होता तो थ्रॉटल बॉडी की जो वायरिंग है उसमें प्रॉब्लम होता। तो ये सर्किट लो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी जो है वो सही नहीं है, थ्रॉटल बॉडी काम नहीं कर रही। उसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं, दूसरी लाइट हमारे पास हाइब्रिड कंट्रोल की भी आती है। हाइब्रिड कंट्रोल में चेक करते हैं क्या कोड आ रहा है। रीड फॉल्ट ये देखें P0A0F इंजन फेल टू स्टार्ट। हाइब्रिड कंट्रोल में ये कोड आ रहा है कि इंजन फेल टू स्टार्ट, के इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि थ्रॉटल बॉडी काम नहीं कर रही, इंजन स्टार्ट नहीं होता, हाइब्रिड की जो बैटरी है वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से एक कोड हाइब्रिड कंट्रोल में भी गाड़ी सेट कर देती है। इन दोनों कोड को हम फॉल्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद इंजन वाला कोड, ये तो फॉल्ट दोनों क्लियर हो गए। अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम करेगी जो पहले ये कर रही थी। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी चेंज करते हैं, उसके बाद हम दोबारा से इसको स्कैन करेंगे। थ्रॉटल बॉडी हमने गाड़ी की खोल ली है। थ्रॉटल बॉडी के अंदर एक्टुएटर मोटर लगी होती है जो कि बटरफ्लाई को ओपन कर रही होती है थ्रॉटल बॉडी की। अब बटरफ्लाई ओपन नहीं कर रही, इस वजह से इसकी थ्रॉटल बॉडी में मसला आ रहा है। इसकी जगह पे हम नई थ्रॉटल बॉडी लगाएंगे। ये हमारे पास काबली थ्रॉटल बॉडी अवेलेबल है, ये हम इसको फिटिंग करेंगे। ये एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये एक्वा में कॉमन फॉल्ट है। ये पहले भी 3-4-5 गाड़ियों का ना मैंने इसका थ्रॉटल बॉडी जो है वो चेंज किया है, यही मसला आता है इसमें ज़्यादातर। तो कोशिश करें जब भी इस तरह का कोई फॉल्ट आए तो थ्रॉटल बॉडी इसकी चेंज ही कराएं, क्योंकि ये रिपेयर होके चलती नहीं है। अव्वल तो रिपेयर होती नहीं है, और अगर रिपेयर कर भी ली जाए तो ये रिपेयर होके नहीं चलती, तो इसको चेंज कर लेना ही बेहतर होता है। तो थ्रॉटल बॉडी हमने इसकी चेंज कर ली है, अब हम दोबारा इसको डायग्नोस करेंगे, स्कैनर लगाएंगे, देखेंगे इसका फॉल्ट खत्म हुआ, उसके बाद हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। इंजन सिस्टम रीड फॉल्ट कोड, जी तो देखें अभी इंजन में नो ट्रबल कोड, कोई भी फॉल्ट नहीं आ रहा। अब हम इसको हाइब्रिड कंट्रोल का फॉल्ट भी चेक कर लेते हैं जो हाइब्रिड कंट्रोल में आ रहा था। रीड फॉल्ट कोड, जी हाइब्रिड कंट्रोल नो फॉल्ट कोड। यहाँ पे अब जो गाड़ी का मसला था वो हमने डायग्नोस किया, बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं,
और देखते हैं कि मसला इसका ख़त्म हुआ नहीं। ये हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, इंजन भी स्टार्टिंग पोजीशन में आ गया है, मतलब गाड़ी में अब कोई फॉल्ट नहीं है, गाड़ी में सिर्फ थ्रॉटल बॉडी का मसला था, थ्रॉटल बॉडी हमने चेंज कर दी है और गाड़ी ओके हो गई। गाड़ी का फॉल्ट हमने क्लियर कर लिया है, अब मैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जो है वो कर रहा हूँ। टेस्ट ड्राइव मैंने कर लिया गाड़ी की, बल्कि अभी मजीद कर रहा हूँ फर्दर चेक करने के लिए कि कोई मसला ना हो गाड़ी में। तो अगर आपकी गाड़ी में एक्वा प्रियस या किसी गाड़ी में आपके चेक इंजन वगैरह का कोई मसला आता है तो आप उसको सबसे पहले स्कैनर लगा के डायग्नोज करवाएं, जो भी मसला है उसको हल करवाएं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक दें, और हमारे चैनल कार टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो वक्त पे मिले। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।